तो अभी तक हम लोग ने DBMS के बारे में जाना, DBMS क्या होता है, डाटा क्या होते हैं, फैक्ट क्या होते हैं। अब हम बात करेंगे डाटाबेस डिजाइन के बारे में कि हमें जब डाटाबेस डिजाइन करना होता है तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम डाटाबेस DBMS डिजाइन कर रहे हैं। DBMS हम यूज करेंगे जो मार्केट में अवेलेबल होता है, लेकिन हम डाटाबेस डिजाइन कर रहे होते हैं कि वो डाटा हमारे पास कैसे ऑर्गेनाइज होना चाहिए, कैसे वो होना चाहिए। तो अगर हम लोग बात करें कि अगर जैसे कोई बिल्डिंग बनती है या कोई मान लीजिए आपके कॉलेज की जो बिल्डिंग है वो जब बननी बनी होगी तो ऐसा नहीं है कि डायरेक्ट आपके बिल्डिंग का काम शुरू हो गया होगा। सबसे पहले क्या होगा, होगा एक पेपर पे चार्ट पे बनता है आपका उसका मैप। यहाँ पे मैप बना होगा कि किस तरह से आपका जो बिल्डिंग होगी वो बनेगी। जब वो वेरीफाई हो गया होगा कि हाँ मैप बिल्कुल सही है, इतनी जगह है उस हिसाब से ये बिल्डिंग इसमें बननी चाहिए, उसके बाद भी अगर आपका कॉलेज जो है हाई प्रोफाइल का है तो कॉलेज की जाहिर सी बात है कि उसका एक मॉडल बनता है। जो जैसे बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं, जो भी अगर आप जैसे कोई व्हीकल ले लें, जैसे कोई कार होती है तो सबसे पहले कार का डिजाइन तैयार होता है जो चार्ट पे तैयार होता है, उसके बाद उसका छोटा सा मॉडल बनता है। उसी तरह से यहाँ पे एक छोटा सा मॉडल बना होगा, मॉडल बना होगा मतलब कि 3D मॉडल। यहाँ पे 2D था, यहाँ पे 3D लगभग जैसी बिल्डिंग बननी है उसी के अनुरूप एक छोटा सा मॉडल तैयार किया गया होगा किस तरह से बिल्डिंग बननी है। उसके बाद आपका क्या होगा, फाइनल बिल्डिंग बनेगी। तो ये हमारा फाइनल बिल्डिंग बन रही है। तो ये जिस तरह से ये बिल्डिंग का काम हो रहा है उसी तरह से हमारा डाटाबेस का भी काम। हम लोग डाटाबेस, यहाँ हम DBMS की बात नहीं कर रहे हैं, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम की बात नहीं कर रहे हैं, हम डाटाबेस की बात कर रहे हैं। तो ये कन्फ्यूज ना हो कि हम लोग डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम डिजाइन करने वाले हैं। डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक प्रोग्राम है जिसको हम यूज करेंगे अपने डाटाबेस को मैनिपुलेट करने के लिए, अपने डाटाबेस को मैनेज करने के लिए। यहाँ पे हम लोग डाटाबेस जो DBMS को यूज करते हुए डाटाबेस कैसे डिजाइन करते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो डाटाबेस को डिजाइन करने के लिए सबसे पहले हमारे पास एक मैप होना चाहिए, यानी कि हमारे पास एक लॉजिकल व्यू होना चाहिए कि कैसे वो आपका जो डाटा होगा वो कैसे होगा, किस टाइप का होगा, कितना डाटा होगा और किस तरह से अरेंज होगा। जैसे कि इसमें कितने कमरे होंगे, उनकी डायमेंशंस क्या होंगी, इस तरह से। तो सबसे पहले आता है हमारा हाई लेवल व्यू, हाई लेवल व्यू और कॉन्सेप्चुअल व्यू। कॉन्सेप्चुअल व्यू सबसे पहले हम लोग इसको डिजाइन करते हैं। जैसे कि अगर आप किसी के लिए डाटाबेस बनाना चाहते हैं, मान लीजिए किसी कंपनी के लिए डाटाबेस आप उसका मैनेज कर रहे हैं, तो आप जब कंपनी अपने कस्टमर से जो आपसे डाटाबेस बनवा रहा है आप उससे बात करेंगे तो उनको नहीं पता कि क्या SQL होती है, कैसे वर्क करती है, डाटाबेस में डाटा कैसे स्टोर होता है, कैसे मैनिपुलेट होता है, उन्हें इस सबसे कोई मतलब नहीं। अगर वो इतना जानते होते तो वो आपको हायर क्यों करते, आपसे क्यों डाटाबेस बनवाते। तो उन्हें कुछ नॉलेज नहीं होती है इस बारे में डाटाबेस की, कैसे ये वर्क करता है, क्या ये काम करता है। तो क्या करेंगे, हम लोग उनको एक बेसिक मॉडल दिखाते हैं कि हम आपके डाटा को ऐसे ऐसे स्टोर करेंगे, ऐसे ऐसे आपको मैनेज कराएंगे, तो उनको समझ में आ जाए। तो उसको हम बोलते हैं कॉन्सेप्चुअल या हाई लेवल व्यू। इसमें हम लोग कोई भी कॉन्सेप्ट यूज नहीं करते, ये टोटली ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है कि ये डाटा आपका इस तरह से स्टोर होगा। इसमें कोई भी हम लोग ना कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज करते हैं, ना कोई इसमें प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट यूज करते हैं, ना इसमें कुछ भी हम लोग एडवांस या DBMS से रिलेटेड कोई भी चीज़ नहीं करते। इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करते हैं कि डाटा आपका कैसे मैनेज होगा। तो इसके लिए सबसे जो पॉपुलर तरीका है वो हमारा ER मॉडल है, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो ER मॉडल के थ्रू हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, कस्टमर को दिखाते हैं कि हमारा डाटा इस तरह से मैनेज होगा। अगर कस्टमर उसको सेटिस्फाई कर लेता है ER मॉडल को, तब हम कहते हैं कि हाँ हम इसमें आगे चेंजेस करके इसको अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज या SQL लगा के इसको डाटाबेस में स्टोर कराएंगे। तो इसके बाद जैसे कि यहाँ पे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होने के बाद क्या करते हैं, हम लोग स्मॉल उसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। इसी तरह से कॉन्सेप्चुअल व्यू के बाद यहाँ पे आता है रिप्रेजेंटेशनल व्यू।
और इम्प्लीमेंटेशन। इसमें करते क्या है हम लोग, इसमें हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो हम लोगों ने यहाँ पे ईआर मॉडल बनाया है, ईआर मॉडल क्या होता है इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे, इसी से इसको टेबल्स में रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि यहाँ पे रिलेशन, रिलेशन को हम लोग टेबल भी बोलते हैं, टेबल में हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि जो हमने यहाँ पे ये तो हमने बनाया था ताकि कस्टमर को हम लोग बता सकें कि ये किस तरह से हम लोग काम करेंगे, हालांकि ये हमारे डिजाइन में भी हेल्प करता है। उसके बाद हम इसका एक लेआउट बनाएंगे जो हमारे काम का है, यानी कि जो डाटाबेस डिजाइन कर रहा होगा उसको समझने के लिए एक लेआउट बनाएंगे कि इसमें कौन कौन सी टेबल होने चाहिए, किस तरह से अरेंज होना चाहिए। तो ये यहाँ पे भी हम कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं लगाएंगे, लेकिन यहाँ पे हम लोग लॉजिक लगाएंगे कि किस तरह से रियल डाटाबेस स्टोर होगा। तो यहाँ पे हम लोग टेबल्स बनाएंगे, कौन कौन सी टेबल होनी चाहिए, वो कैसे कैसे अरेंज होनी चाहिए, और सबसे लास्ट है हमारा फिजिकल, फिजिकल मॉडल और इसको हम बोल सकते हैं लो लेवल। इसका मतलब क्या है कि ये हमारा फाइनल होता है, जिस तरह से बिल्डिंग फाइनल होती है, इस तरह से ये भी हमारा यहाँ पर फाइनल होता है कि ये डाटा एक्चुअली में किस तरह से आपका डाटाबेस में रहेगा। तो इसमें हम लोग क्या करते हैं, इस टेबल बनाने के बाद उसमें SQL परफॉर्म करके इस डाटाबेस को सेव करते हैं, स्टोर करते हैं, और ये फिजिकली व्यू होता है, यानी कि ये सिर्फ और सिर्फ डेवलपर जो डाटाबेस का, जिसने डिजाइन किया है, जिसने बनाया है डाटाबेस, वही देख सकता है इसको। जैसे कि अगर हम लोग डाटाबेस, हम लोग अपने फेसबुक की बात करें, हम लोग फेसबुक में लॉगिन करते हैं तो हमें अपना पासवर्ड और लॉगिन आईडी तो पता होता है, लेकिन हमारे वहाँ पे कौन चेक कर रहा है कि हम सही डाल रहे हैं कि गलत डाल रहे हैं, वो हमें नहीं पता, लेकिन जिसने वो डाटाबेस बनाया होगा उसके पास एक्सेस करने का पूरा होगा परमिशन, तो वो आपका और किसी का भी पासवर्ड देख सकता है वहाँ से, क्योंकि उसने उसके डाटाबेस में आपका सारी चीज़ें जो है स्टोर हो रही हैं। तो ये फिजिकल डाटाबेस जो है आपका, ये डिजाइनर की जो DBA होता है वो मैनेज करता है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर जो होता है वो इसको हैंडल करता है। तो ये हमारे डाटाबेस का बेसिक जो है डिजाइनिंग कॉन्सेप्ट है, कि सबसे पहले हम लोग एक कॉन्सेप्चुअल व्यू बनाते हैं जो कि कस्टमर के अकॉर्डिंग होता है, कस्टमर को समझने लायक होता है। तो ये ER मॉडल हम लोग, इसमें सबसे पॉपुलर बहुत सारे मॉडल्स हैं, लेकिन ER मॉडल जो कि इस सिलेबस में भी है, ER मॉडल के बारे में डिस्कस करना है, जो सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और यूज भी होता है सॉरी। उसके बाद आता है रिप्रेजेंटेशनल और इम्प्लीमेंटेशन। इसका मतलब क्या है कि हम लोग अपने प्रोग्राम को इम्प्लीमेंट करना शुरू करेंगे, किस तरह से हमारे सिस्टम में एक्चुअली में एग्जिस्ट करेगा। तो इसमें हम DBMS की हेल्प लेंगे और इसको रिलेशन यानी कि टेबल्स में तोड़ेंगे, या ये भी हमारा सिस्टम पे वर्क नहीं हो रहा है अभी, ये हमारे यानी कि ये हमारा अभी डिजाइन हो रहा है, कॉन्सेप्ट डिजाइन हो रहा है। और जब हम फिजिकल डाटा मॉडल डिजाइन करेंगे तो हम इसी टेबल्स को इसमें स्टोर करेंगे फिजिकली, यानी कि मेमोरी में। तो ये हमारा फाइनल स्टेप होगा, इस तरह से हमारा डाटाबेस जो है तैयार होगा। ध्यान रखिएगा, ये डाटाबेस तैयार हो रहा है विद द हेल्प ऑफ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम कोई हार्डवेयर का पार्ट नहीं है, एक सॉफ्टवेयर है, एक टूल है, जिसके थ्रू हम लोग डाटा को मैनिपुलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, अगले वीडियो में हम ER मॉडल के बारे में बात करेंगे, ER मॉडल क्या है, ये कैसे वर्क करता है। अगर आपको उसमें कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपको मेरी बातें समझ में आ रही हैं तो मेरे वीडियो को लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर क्लिक करें ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियो की जानकारी मिलती रहे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक देखते रहिए, सीखते रहिए।